सात कोरोना ब्रेकिंग के इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स के लिए किया गया बड़ा निर्णय। कोरोना ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मौत पर मिलेंगे 50 लाख रुपए। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों, आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सहायिका, पटवारी, ग्राम सेवक, संविदा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मिलेंगे 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख रुपए की घोषणा की थी और उसके बाद गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अगर बात करें तो गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला है कोरोना वॉरियर्स के लिए। आपको बता दूं, जिस तरह का ये बीमारी है और जिस तरह लगातार इसमें जो खतरा बना हुआ रहता है आदमी की जान को, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री गहलोत ने जो भी कोरोना वॉरियर्स है, जो भी कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं, या किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, उन तमाम कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा करने का फैसला किया है। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि इससे पहले जो भारत सरकार ने जो घोषणा कर रखी है उसमें सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन राजस्थान में अब इस घोषणा में उन्होंने कर्मचारियों, पटवारियों, ग्राम सेवकों, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित तमाम उन लोगों को शामिल कर लिया जो चाहे तो सर्वे करने जा रहे हैं, चाहे फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे सफाई का काम करने जा रहे हैं, उन तमाम वर्गों के लोगों को जोड़ लिया। साथ में जो संविदा कर्मी जो लगातार डिमांड कर रहे थे, और पिछले कई दिनों से आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी इस बात की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो है बीमा किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को भी, उनके परिजनों को भी डर है कहीं इस बीमारी में कुछ आहत अनहोनी नहीं हो जाए, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो ये बीमा किया गया है, बीमा का 50 लाख रुपए देने की बात कही गई है, इससे बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अमित, जिस तरह की बीमारी है और जिस तरह का डर बना हुआ लोगों में, भय बना हुआ है, इस सरकार के इस संबल के बाद लोगों में थोड़ा विश्वास रहेगा कि कहीं कहीं आर्थिक संबल तो मिलने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि देखिए, कोई भी अपना नहीं खोना चाहता कोई भी, लेकिन क्योंकि बीमारी ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं जान का खतरा बना हुआ है, और उसमें यदि उसके पीछे की चिंता लगी रहे व्यक्ति को, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, उस तरीके का अंजाम नहीं दे पाता है। तो अब ये बीमा करने से कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के उत्साह में और ज्यादा वृद्धि होगी, और लगातार कर्मचारी भी मांग कर रहे थे, संविदा कर्मी लगातार मांग कर रहे थे, स्वास्थ्य कर्मी लगातार मांग कर रहे थे, सफाई कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे, जो है आपके तकनीकी विभाग से जुड़े हुए लोग थे वो लगातार मांग कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार मांग कर रहा था, तो लगातार तमाम लोग मांग कर रहे थे। आज भी जो सतीश पुनिया, उन्होंने मांग की थी, महेश जोशी जी ने खुद ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि लगातार सफाई कर्मी कह रहे हैं कि उनका बीमा 50 लाख का किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने तमाम बातों को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया है, और इसका लाभ सबसे बड़ी बात है कि सरकारी, गैर सरकारी, चाहे संविदा पे जुड़ा हुआ आदमी हो, चाहे वो ठेके पे काम कर रहा हो, जो भी कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस 50 लाख रुपए के बीमे का फायदा मिलेगा। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तुम्हारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़े हुए थे और ये पूरी अपडेट हमको दे रहे थे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कोरोना वॉरियर्स के लिए, निश्चित तौर पर उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, एक बड़ा संबल मिलेगा।